तो वही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके चलते अधिकांश धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। और इसी कड़ी में बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर के देशनोक करणी माता सहित अधिकांश धार्मिक स्थल खोल दिए गए। तो वही धार्मिक स्थल खुलने के पहले दिन श्रद्धालुओं की हालांकि ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। बीकानेर के तौलियासर भैरव मंदिर का न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने लिया जायजा और मंदिर के पुजारी से की खास बातचीत। शुरू हो चुका है और उसके तहत अब मंदिर हैं जो सुबह से शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। अब हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के अति व्यस्त मंदिर, जिसे कहा जा सकता है तौलियासर भैरवनाथ का मंदिर है। आप देख सकते हैं इस मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। मंदिर का मुख्य द्वार अभी भी लॉक है, लेकिन आम जनता के लिए यहाँ पर मंदिर संचालकों के द्वारा यह एक साइड का गेट है, उसे जरूर खोला गया है। देख सकते हैं आप इस मंदिर में, ये भैरवनाथ का मंदिर है। अब तक यहाँ पर जो पूजा होती थी वो एक तरह से पूजा होने के साथ साथ जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था तौलियासर भैरव जी के मंदिर के नाम से, जो यूट्यूब था उसी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के लिए यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करते थे और अब तक ब्रॉडकास्ट हो जाया करता था। अब हम लोग मौजूद हैं, आपको जैसा कि बता दें आपको कि तौलियासर भैरव जी के मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए पूजा के लिए लोग भी बराबर आ रहे हैं, दर्शनों हेतु लोग यहाँ पर बराबर पहुँच रहे हैं, लेकिन कितने पहुंच रहे हैं वो एक देखने वाली बात है। हम लोग ये देखिए बराबर यहाँ लोग हैं जो बिल्कुल कतार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करते हुए, देखिए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है। जी नमस्कार, आज कोरोना गाइडलाइन अनलॉक 3 शुरू हो चुका है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे आप? सर जब ये जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम जो मंदिर का है एक छोटा दरबार थोड़ा खोल रखा है, जिससे भक्तगण आ रहे हैं। और अभी तक जो आपने जो टाइम के लिए जो बताया वो 4 बजे तक, पर हम जो हमारी जो आरती का जो समय है वो थोड़ा 7, 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक चलता है। तो आपने इसमें हमारे को थोड़ा और छूट दिया जाए, जिससे कि हमारे जो भक्तगण हैं वो बाबा के भैरवनाथ के अच्छी तरह दर्शन कर सके, आरती के मजे ले सके। ये है भक्तों की अगर हम बात करें, आज पहला दिन है, पहले दिन में भीड़ भाड़ की क्या स्थिति है? अभी तक लोगों को 1 तारीख का मालूम था जिसे आज जो खोला गया है धार्मिक के हिसाब से, पर भगत लोग अभी अपने बचाव के हिसाब से मंदिर में थोड़े कम ही आ रहे हैं और अपने पूरे बचाव से मास्क लगा के सैनिटाइजर तो लगा हुआ है हमारे मंदिर में, उसका यूज लेते हुए आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे हैं और सरकार के जो आदेश हैं उसमें माला और फूल माला जो प्रसाद का है वो हमारे भक्तों कह रहे हैं नहीं लावें, सरकार के आदेश हैं ये चीज ना लावें। देखिए यहाँ पर तमाम तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग आपको भैरवनाथ के दर्शन भी करवा रहे हैं। भैरवनाथ जो तौलियासर भैरव जी का मंदिर है, बहुत अति प्राचीन मंदिर है, बीकानेर का प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है और बेहद ही शानदार मंदिर जिसे कहा जा सकता है, अपने आप में बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, आपको दिखा रहे हैं हम। और यहाँ पर तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरह से कहा जा सकता है कि नियमों का पालन करते हुए यह मंदिर खोला गया है। KK सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।